और एक गुड न्यूज भी है। माँ बनने वाली बात है, बट हम दो की राजी ले तो डाला मेरा। वेलकम टू माई ब्लॉग। तो कैसे हो दोस्तों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और आरू जी सो के उठे हैं, आप रोने में लगे हो। हाँ जी, हाँ रो रहे हो तो बंद करो, बंद। आरू जी सुनकर भी तो नहीं है, उसको पहले आवाज कम करना पड़ेगा। आरू इधर देखो, मैंने बंद कर रखा है ना, तो इसीलिए रोने में लगा। कैसे रो रहे हैं आरू? मैंने देखना पैर लगा रखा है ना, तो इसीलिए देखना कैसे रोने में लगा हुआ है। कपड़े वपड़ा नहीं है तुम्हारे पास? मामा साज कर के बैठी ना है। हाँ बड़े गुस्सा आ रहा है। देखो आज मेरे यहाँ बनेगा कटहल की सब्जी। ये देखिए मैंने ये काट वट के रख रखा है। आप लोगों को भी कटहल पसंद है तो कमेंट करके जरूर बताना। कटहल की सब्जी बन जाएगी, उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगी। ओके फ्रेंड। और फ्रेंड आप लोगों को ये बताना था कि आज मेरे घर नो मैं आप लोगों को तब बताऊंगी जब मेरे हस्बैंड आ जाएंगे। और आज मेरे घर से फोन आया था, बहुत खुशखबरी की बात है। बट हम दो की राजी ले तो डाला मेरा आरू ने गुल्लक, मेरा पूरा पैसा गिरा डाला। क्या किया रे? ओ मैया, आरू ने सारा मेरा गुल्लक तोड़ दिया रे। जल्दी जल्दी समेट रहे, तेरा बाप आ जी था ने ते हे हम सब पैसा ले लेता। हाँ ता देखो तो मैं बाप रे दया, एक तो संजो कर देखना, बेटा मैंने सारा पैसा रखा था संभाल के, ये तुम्हारा बेटा आरू जी ने सब तोड़ डाला देखना। अब बेटा तुम्हारे डैडा को पता नहीं चलने देंगे, वरना सारा पैसा ले लेंगे। देखना फ्रेंड मेरा आरू जी ने आज गुल्लक तोड़ दिया। ये देखो कितना बदमाश है। मैंने इसे दिया था कि खेलेगा, बट इसने पूरा पटक दिया। हाँ बहुत बदमाशी करता है ना। अरे तेरे लड़का फिर पक्का पक्का बोलते हो तुम। पापा जी बोलो, पापा जी। देखो देखो कैसे मार रहे थे। और फ्रेंड चलो फिर मैं जाती हूँ बनाने के लिए। क्या करूँगा, बंसु जी भी आने वाले हैं, मेरे को शाम भी होगी, तो मैं खाना पीना बना के आप लोग समझती हूँ। ब्लॉग बने रहिए। ओके, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग देखिए फ्रेंड, ये मेरी कटहल की सब्जी बन गई है। ये देखिए, ये देखिए हल्का सा अभी और तरी है, हल्का सा ये और पकेगा। तब तक के लिए मैं धनिया का पत्ता काट लेती हूँ। ये देखिए ये रहा धनिया का पत्ता, तो मैं जब तक काटती हूँ उसका होने देती हूँ, थोड़ा सा गलेगा। और फ्रेंड पता है देखना कितना अच्छा कलर आया है, कितना अच्छा बढ़िया सब्जी बना है। अब इसको पकने देते हैं, है ना। और जब तक तो मैं इसका धनिया पत्ता काटती हूँ, कितना बढ़िया बना है ये कटहल की सब्जी। फ्रेंड देखा ना आप लोगों ने, मेरे अंशु जी आएंगे थोड़ा लेट फ्रेंड, तो इसीलिए मैं जब तक रोटी वगैरह बना लेती हूँ, आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। Work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never cap in space. I won't stop till I hear him say. I'm up again, I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb. A new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never cap in space. I won't stop till I hear him say. Oh, 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 oh
आरु नहीं मानो ना हा? कैसे लेटे हो, उठ के बैठो ना यार, देखना कैसे लेटे हुए। बैठ जाओ बेड पे, बैठ जाओ, कुछ कांदा बता नहीं करेगी, फिर उठ जाएगी। देखो आरू इसको क्या ऐसा मन लगता है, ये आराम से रहता खाए नहीं, मिलती यही नहीं सुनना। देखना जरा, एक बेटा है तो ऐसा हाल है। देखो हाँ, तुम्हारे बेटा ने मेरा गुल्लक तोड़ दिया है, वो भी मैंने उसे खाली अपना कार में बैठा हुआ था और मैंने कहा चलो हिलाएगा वो, इतना बदमाश है, मेरा गुल्लक तोड़ देते हैं। उसमें मैंने तुम्हें छुपा कर रखी थी गुल्लक, उसमें ज्यादा पैसा निकला भी नहीं है, 500 रुपए निकला, कुछ चिल्लड़ होंगे। देखा तो उसको गुल्लक तोड़ दिया बेटे ने गुल्लक, और जबकि मुझे बताया भी नहीं था कि गुल्लक है मेरे पास। तुम्हें अगर बता देते तो तुम कुछ पैसे रख नहीं देते। कभी मैं बोलूं कि यार मेरी जेब में से पैसे क्यों गायब हो जाते, पता है? यार तो तुम्हारा नहीं चुराऊंगा तो बता दो किसका चुराऊं, किसी घर से थोड़े जाऊंगी चुराने के लिए। मतलब चोरी चोरी करना गलत है, चोरी कैसा चोरी, पता चला कि मेरी पैंट में जेब में पैसे हैं मुझे लग रहा है, और तुमने निकाल लिए बाहर जाके। उतना नहीं, वैसे निकालते, देखती हूँ पहले पैसा जितना है उसी हिसाब से निकालती हूँ। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास 50-100 रुपए और तो निकालू, सारा निकाल, एक भी नहीं रहेगा, ऐसा नहीं करते। चोरी करने का वाला, चोरी करने वाले के पास भी दिमाग होता है। बिल्कुल निकाल लो और पता भी ना चले। तो फ्रेंड पता है मैंने ऐसी पैसा बचा कर रखा था, पर इनके बेटे ने गुल्लक तोड़ दिया, और एक टाइम पैसा हुआ था, पहले की बात कह रही हूँ आप लोगों को, पहले भी मैंने रखा था लेकिन फिर तुमने तोड़ दिया था, इनको पता चल गया था ना, तो इसलिए। तो दोस्तों मैं तो यार ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ वीडियो में, क्योंकि मैं तो जॉब करता हूँ आपको जैसे कि पता ही है, और फिर मैं शाम को आता हूँ और शाम को थोड़ा सा मैं वीडियो में आ जाता हूँ, है ना, आप लोगों से थोड़ी बात भी कर लेता हूँ तो थोड़ा अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। एक बार तुम्हें बताने दी एक खुशखबरी है, एक तो बैड न्यूज हो गया, तुम्हारे बेटे ने मेरा गुल्लक तोड़ के रख दिया है ना, और एक गुड न्यूज भी है। गुड न्यूज क्या है, माँ बनने वाली है? नहीं माँ तो वैसे भी गई, माँ तो तुम्हारा बेटा भी है, देखना आगे आप तो माँ तो बन चुके हो, तुम भी बाप बन चुके हैं, और कैसे तो और गुड न्यूज क्या है? गुड न्यूज ये है कि मेरी मम्मी का फोन आया था आज दिन में, सो बुला रही थी, बोली थी कि तू आई नहीं पिछली बार मिलने के लिए, फोन करी थी तो। चलो अच्छी बात है ना कि मम्मी का फोन आया था, बहुत ही अच्छी बात है, तो जाना चाहिए फिर तो। चलें, मैं कहाँ जाऊँगा, मुझे कौन बुलाता है भाई, एक बात बताओ या उन लोगों की चाल हुई तो। हाँ ये तो पहले भी फोन आया था ना, पहले भी फ्रेंड फोन आया था मेरी मम्मी का, मुझे तो लग रहा है कि कैसे फोन कर रही है, उसके बाद बुलाने की बात कर रही है, बोल रही है मिलने आ जा नाती पोता को लेकर, तो बोल रही है। नहीं नहीं नहीं, ये मैंने पहले भी मैंने वीडियो बनाया था दोस्तों, आप लोगों से पहले पूछा था कि फोन उनको भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए, तो मुझे कुछ लोगों ने बताया कि अभी कम से कम 1-2 साल और नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि ऐसा ही मैं करूँगा कि अभी चलो मैं पूनम के ऊपर छोड़ देता हूँ, जो जो पूनम का दिल करेगा वो करना। नहीं यार मुझे भी विश्वास नहीं है, नहीं मिलने के लिए बोला तो मिलो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक काम कर लो, अगर वैसा लग रहा है तो बोल दो कि कहीं किसी पार्क में बुलवा दो, या फिर मैं चलूँ साथ में। तुम चलो, मैं जाऊँगा तो मुझे तो तोड़ देंगे अच्छी तरह। क्यों तोड़ देंगे, इतना थोड़ी ना किसी को एहसान है, इतना थोड़ी ना किसी को है। देखो आरू जी क्या अभी तक दोस्तों ये हाल है, आरा देखना आरू कुछ करने में लगा, आरव ओ आरू सुनता ही नहीं है अपने खेल में मगर। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं और आरू चलते हैं, मुझे पकड़ के रखना ले कहीं बांध के। नहीं ऐसा नहीं, शायद वो बुलाने लग जाए, शायद काफी दिन हो गए। आप लोगों को क्या लगता है फ्रेंड, मेरी मम्मी बुलाएंगी चलाएंगी? क्योंकि मेरे हिसाब से मैं जितना जानती हूँ मैं अपनी मम्मी को, मुझे नहीं लगता कि मेरी मम्मी उतना बुलाएंगी। आरू बेटा क्या कर रहे हो हैं, क्यों मेरा काम बिगाड़ने में लगेंगे? क्या कर रहा है? मुझे खिला रहे हैं, बता मुझे करके खिला रहे हैं, इतना बदमाश हो गया आरू। जहां तक कि मुझे लगता है कि मेरी मम्मी नहीं बुलाएंगी, क्योंकि मैं जहां तक कि जानती हूँ अपनी मम्मी को, उनका नेचर उनका व्यवहार, तो उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता है उनकी कुछ चाल है। नहीं नहीं, हमने तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया, जो तुम्हें करना है वो करो, अगर बुलाने लग जाए तो ठीक है, अच्छी बात है। मैं फिर अकेली क्यों जाऊंगी,
मैं उनसे फिर फ्रेंड बात करूंगी कि आएंगे हम लोग तो तीन लोग आएंगे, तीनों लोग आएंगे मिलने के लिए, और अगर नहीं बुलाते हो तीनों लोग को तो फिर तो मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जहाँ मेरे हस्बैंड की जहाँ इज्जत नहीं होगी या बुलावा चलावा नहीं होगा वहाँ मेरे जाने का क्या फायदा है ना। तो इसीलिए फिर अगर ये जाएंगे मेरे संगे या फिर इनके इनको भी बोलेंगे कि हाँ चलो तुम ले आना दामाद को भी, तो आएंगे हम तो जाएंगे हम, वरना मैं नहीं जाने वाली, है ना फ्रेंड। सही बात है कि नहीं है, आप लोग बताना कमेंट करके कि मैं सही बात बोल रही हूँ कि नहीं, कि अंशजी को भी साथ में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, या मेरी मम्मी को भी बुलाना चाहिए दामाद को या नहीं, ठीक है ना, साथ में। तो आप लोग बताना कमेंट करके कि सही बात है कि नहीं, आप लोग जरूर बताना, है ना। क्यों चले चलना मिलने के लिए, और जब बोलेंगे तो क्यों नहीं चलोगे। मुझे बहुत सारी बात है जो मुझे इतनी सारी मुझे उल्टा सीधा बोला था बहुत सारा। अरे वो अब सही में चिप्पा थोड़ी ना रह गया है, मुझे बहुत सारा याद है। वो याद तो मुझे भी है, जिस टाइम शादी के टाइम पे कैसे कैसे बोलती थी। देखो आरू जी को, आरू जी का हेल्प बोल के आ जाते थे। तो फ्रेंड यही हमारा गुड न्यूज था, मेरी मम्मी फोन करके बुला रही थी मुझे कि आ जाना घूमने के लिए बच्चे को भी लेकर, और लेकिन इनके बारे में नहीं बोले, तो इसी बात में मुझे अच्छा नहीं लगा कि इनके बारे में कुछ नहीं बोले हैं। तो मैं बात करके फिर मैं आप लोग से बताऊंगी फिर से कि मेरी मम्मी इनको भी बुला रहे हैं या नहीं, ठीक है ना। इसके बाद आप लोग को यही घूमने था। तो चलो फ्रेंड ये जाएंगे अभी खाना वाना खाएंगे, और उसके बाद देखना आरू जी कैसे परेशान करने में लगे। आप लोग को तो पता ही है कि मेरे यहाँ कटहल की सब्जी बनी है रोटी, अंशु जी के आने से पहले मैंने कटहल की सब्जी बनाई थी, उसके बाद रोटी भी। आरू जी भी भूखा है, तो चलो आप लोग अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा, आप लोगों को लाइक। बाय बाय।